देश भर के आयुध कारखानों में स्ट्राइक नहीं हो, इसके लिए सरकार एक अध्यादेश लेकर आई है और उसमें हड़ताल को गैर कानूनी बताया गया है। भारतीय मजदूर संघ को इस पूरे अध्यादेश पर आपत्ति है, क्या आपत्ति हम जानते हैं। भारतीय मजदूर संघ के जनरल सेक्रेटरी विजय कुमार सिन्हा जी हमारे साथ हैं। सर, क्या आप लोगों की प्रमुख आपत्ति है? आप लोगों ने प्रधानमंत्री को एक पत्र भी लिखा है इसके बारे में। बिल्कुल, हमने प्रधानमंत्री जी से आग्रह किया, इसके पहले भी मैं एक पत्र दिया था और प्रधानमंत्री जी से आग्रह किया था कि आप कॉर्पोरेटाइजेशन करने के पहले एक बार सभी स्टेक होल्डर से आप बात कीजिए। और भारतीय मजदूर संघ सरकार के वैसे सभी निर्णयों के साथ है जो देश के हित में है, लेकिन यह अध्यादेश ला करके यह एक अलोकतांत्रिक प्रक्रिया का अनुपालन सरकार ने किया है। हमको अधिकार है, ये पार्लियामेंट से पास कानून है कि हम अपनी आवाज़ उठा सकते हैं, राइट टू एसोसिएशन राइट, हमको ये अधिकार मिला हुआ और इस अधिकार पर यह कुठाराघात है। और सरकार अगर ऐसा चाहती है कि हम मजदूरों के आवाज़ को दबा देंगे जबरदस्ती, तो इसका परिणाम देश हित में नहीं होगा। आज इस देश में जो आतंकवाद या और कुछ इस तरह के असामाजिक तत्वों का जो उदय हो रहा है, जो बढ़ रहे हैं, उसका मुख्य कारण यही है कि आप उनको रोने भी नहीं दोगे और उनको जीने भी नहीं दोगे, तो कहीं ना कहीं ये आक्रोश फूटेगा और ये आतंकवाद या और भी जो असामाजिक गतिविधियां हैं उसमें ये सब शक्तियां जो हैं सो इस्तेमाल होंगी। इसलिए मैं पुनः एक बार माननीय प्रधानमंत्री जी से यह आग्रह करते हैं कि इस अध्यादेश को वापस लें और सभी स्टेक होल्डर को कॉन्फिडेंस में लेकर के आप करें, क्योंकि ये देश हित में नहीं है, इसलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं। कॉर्पोरेटाइजेशन से क्या आपको लगता है कि ये प्राइवेटाइजेशन की ओर, एक आरोप ये भी है कि प्राइवेटाइजेशन की ओर मामला जाएगा? ये बिल्कुल, ये कॉर्पोरेटाइजेशन जो है प्राइवेटाइजेशन की रास्ता को ही खोलने को है, क्योंकि अभी आप कारगिल युद्ध के समय देखे होंगे कि हमने कई ऐसे आयुध सामग्री खरीदा, मनमाने ढंग पर 5 गुना 10 गुना अधिक कीमत पर हम बाहर से खरीदा। उसका कारण कि हम अपने देश के अपने प्रोडक्शन पर हमारा अधिकार है और हमेशा हम देश के साथ खड़े रहते हैं, देश के सुरक्षा के साथ खड़े रहते हैं। बाहर की कंपनियां, विदेशी कंपनियां, हमारे देश की सुरक्षा के प्रति वो उनकी कोई संवेदना नहीं होगी। आखिरी सवाल, क्या चूंकि अब ये अध्यादेश है तो पार्लियामेंट में भी ये बिल आएगा, क्या आप चाहते हैं कि बिल लाने के पहले सरकार आप लोग से बात करे, बिल नहीं लाए इस? बिल्कुल, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से यही निवेदन करता हूं कि आप एक बार सभी स्टेक होल्डर से इस पर गहन विचार विमर्श करना और अगर आवश्यकता होगा, भारतीय मजदूर संघ हमेशा सरकार के वैसे निर्णय के साथ रहा है जो देश हित में रहा है। यदि प्रधानमंत्री जी मजदूरों को यह कन्विंस करने में सक्षम होते हैं कि यह मजदूरों के हित में है और इस राष्ट्र के हित में है, तो हम सरकार के साथ सहयोग करेंगे। लेकिन इस तरह अगर सरकार मजदूरों के आवाज़ को दबाने का प्रयास करेगी तो इसका दुष्परिणाम कहीं ना कहीं किसी तरह से उभरेगा और शायद यह देश के हित में नहीं होगा। लेकिन एक आखिरी सवाल, लोग पूछेंगे कि जो भारतीय मजदूर संघ है वो आरएसएस की विचारधारा से है, भाजपा से क्या संबंध है, आरएसएस का पता है, तो ऐसे भी सवाल उठेंगे? देखिए, सरकार तो आपकी है, लोग कहेंगे। देखिए, सरकार कभी किसी मजदूरों की नहीं होती है, सरकार की अपनी बाध्यता है और हम कभी भी यह अपेक्षा नहीं रखते हैं कि दुनिया की कोई भी सरकार केवल एक पक्ष को ही सुन करके वो सरकार चलाए। लेकिन मेरा इतना जरूर आग्रह है कि सरकार को सभी पक्षों को सुन करके उनके हितों के रक्षा करने का जिम्मेवारी सरकार की बनती है। और बाकी ठीक है, सरकार वैचारिक रूप से हम सरकार के एक घटक तो नहीं है, लेकिन हम ये सबको विदित है कि हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक घटक हैं और सरकार में जो बैठे हैं वो मित्र दल के लोग भी उसके घटक हैं, लेकिन उनका कार्य पद्धति अलग है, हमारा कार्य पद्धति अलग है, हमारा दायरा अलग है, उनका दायरा अलग है। उनको देश के सभी पक्षों को सुनना है, हम अपने मजदूर पक्षों के लिए जिम्मेदार हैं, इसलिए हम मजदूरों के पक्ष सरकार के सामने मजबूती के साथ उठाते हैं और हम यह प्रयास करते हैं कि सरकार मजदूरों के पक्ष को सुने, जबरदस्ती दबाने का आवाज़ प्रयास नहीं करे। ये मेरा निवेदन है
प्रधानमंत्री। बहुत बहुत शुक्रिया। तो एक अपील है प्रधानमंत्री से भारतीय मजदूर संघ की कि वो सबकी बात सुने, जितने स्टेक होल्डर हैं सबसे बातचीत करें, और तब अगर वो कन्विंस कर पाते हैं मजदूर संगठनों को कि ये राष्ट्रहित में है आयुध कारखानों का निगमीकरण, तब वो बात आगे लेकर चले। लेकिन अगर ऐसा हो नहीं होता है तो असामाजिक तत्व, यहाँ तक कि आतंकवादियों को भी इससे बढ़ावा मिल सकता है। कैमरामैन राजेश कुमार के साथ प्रशांत, एबीपी न्यूज दिल्ली। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।